आवक में कमी से सोयाबीन और सोया तेल के दाम हुए मजबूत। दरअसल नए साल के अवकाश के कारण साल की शुरुआत में ही पहले कारोबारी दिन मलेशिया के एलसी सीबोर्ड समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कामकाज बंद रहा। इधर देश भर की अधिकांश मंडियों में सोयाबीन की आवक कुछ कम होने के कारण प्लांटों द्वारा खरीदी भाव ऊंचे बोले गए। व्यापारियों का कहना है कि नए साल का शुरुआत होने के कारण ज्यादातर मंडियों में कारोबार सुस्त रहा है, लेकिन अगले 2-3 दिनों में आवक बढ़ने की पूरी संभावना है। उधर प्लांट खरीदी भाव 5725 से 5900 रुपए प्रति क्विंटल तक देखने को मिले। इसी के साथ सोया तेल के दाम भी मजबूत दिखाई दिए। सोया तेल इंदौर 1300 रुपए तो पाम तेल 1500 से 1700 रुपए प्रति 10 किलो पर कारोबार करता दिखाई दिया। हालांकि सोया तेल में उपभोक्ता ग्राहक की जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं देखने को मिली। वहीं बीते दिनों इंडोनेशिया ने अप्रैल में आने वाले रमजान और ईद की घरेलू मांग की सप्लाई के लिए पाम तेल का निर्यात घटाने की बात कह दी। चीन की मांग निकाले जाने की उम्मीद से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार भी मजबूती के साथ कारोबार करते दिखाई दे रहे हैं। अर्जेंटीना में हुई बारिश से सोयाबीन बेल्ट के महत्वपूर्ण हिस्से वंचित रह गए, जहां फसल की स्थिति गंभीर थी। सोयाबीन निर्यात निरीक्षण 17.5 लाख टन तक पहुंच गया, जो बाजार अनुमान के उच्च अंत की ओर था। वहीं दिसंबर में ब्राजील का सोयाबीन निर्यात 17.15 लाख टन जबकि सोया मिल निर्यात 15.04 लाख टन पहुंचने की उम्मीद है। वहीं भारत की मंडियों में अगर बात की जाए तो इंदौर की अनाज मंडी में सोयाबीन बेस्ट क्वालिटी का 5750 रुपए तो एवरेज 4800 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखने को मिल रहा है। फिलहाल आवक की कमी के चलते सोयाबीन की कीमतों में तेजी का दौर दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।